सभी भाई को राम राम नमस्कार। परम दुनिया चैनल पे सभी भाई को स्वागत है, वेलकम। आज हम खासी वीडियो लेके आ गए हैं जयपुर से संबंधित, वह भी EHPC हेल्थ केयर हॉस्पिटल से संबंधित। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, स्टेप टू स्टेप सारी बातें हम क्लियर कर देंगे आपको। इसमें आपकी क्या ड्यूटी रहेगी, क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, क्या सर्विस रहेगी, क्या सैलरी रहेगी, सारी बातें हम स्टेप टू स्टेप क्लियर कर देंगे। तो जो भाई इस जॉब में जाने के लिए इच्छुक है, वह भाई मेरे को कॉल न करे, ओनली फॉर यूट्यूब चैनल पे जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, फिर स्क्रीन शॉट लेकर, चालू कंडीशन में स्क्रीन शॉट लेकर मेरे को व्हाट्सअप करना है, और आधार कार्ड की दोनों तरफ से फोटो व्हाट्सअप करनी है। काफ़ी भाई हैं वो डिस्क्रिप्शन लगाकर स्क्रीन शॉट ले लेते हैं, तो उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन न लगाएं और बगैर डिस्क्रिप्शन लगाए ही स्क्रीन शॉट लेकर मेरे को व्हाट्सअप करें। और किसी प्रकार का आपको मेरे को कॉल नहीं करना है, और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे जो भी अपने जो बेरोजगार भाई हैं और जयपुर में जो जॉब करना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और जो भाई इस वीडियो के माध्यम से जो या पहले ये मेरा वीडियो सुन रहा है, पहले से मेरे माध्यम से जॉब ले चुका है जो कैंडिडेट, वह भाई मेरे को एक बार कॉमेंट यूट्यूब चैनल के कॉमेंट बॉक्स में आकर एक मैसेज जरूर करें कि मैंने कहाँ पर ज्वाइनिंग ली है, इसके बारे में एक शेयर जरूर करें। तो अब हम चलते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर देता हूं। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास में रिज्यूम, आधार कार्ड, अकाउंट डिटेल, अकाउंट डिटेल में आपके पास में बैंक पासबुक या कैंसिल चेक होना आवश्यक है, और 4 फोटो, वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगे होने आवश्यक है, वैक्सीनेशन कंप्लीट होना आवश्यक है, और क्वालिफिकेशन है वह कम से कम 10th पास होनी चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस होल्डर और नॉन एक्सपीरियंस होल्डर कैंडिडेट दोनों प्रकार के अलाउ रहेंगे। 5 फुट 7 इंच हाइट रहेगी और 55 kg वेट होना चाहिए मिनिमम। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मिनिमम है, मैक्सिमम आप जितना होंगे द बेस्ट है। तो ये सारी बातें मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के संबंधित और फिजिकली जो बातें थी वह मैंने क्लियर कर दी है, जो अपने EHPC हेल्थ केयर हॉस्पिटल है उसके लिए। और अब मैं आपको इसके अंदर सर्विस क्या क्या मिलेगी आपको बता देता हूँ। इसमें PF और ESI मिलेगा, 12 महीने से इंक्रीमेंट रहेगा, और यूनिफॉर्म फ्री है। इसमें आपका रहना खाने का जो सीन है वो अपना खुद का रहेगा, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ड्यूटी है वह 12 घंटे 30 दिन रहेगी, और जो वर्क है वह सिक्योरिटी गार्ड का रहेगा अपना। सिक्योरिटी गार्ड में आपको क्या काम करना पड़ेगा वो है अपना सीनियर है वहाँ पे पॉइंट पे आपको क्लियर कर देगा स्टेप टू स्टेप सारी बातें कि आपको कैसे क्या ड्यूटी करनी है, उसके बारे में आपको क्लियर कर दिया जाएगा। और जो भाई इस जॉब में जाना चाहता है वह भाई मेरे को कॉल न करे, ओनली फॉर इस वीडियो का यूट्यूब पर जाकर स्क्रीन शॉट लेकर मेरे को व्हाट्सअप कर दे, और आधार कार्ड की दोनों तरफ से फोटो है वह मेरे को व्हाट्सअप कर दे, कॉल न करे किसी प्रकार का। यदि आप मेरे को 3 फोटो व्हाट्सअप करते हो तो मैं आपको रिप्लाई में आगे की जो भी फील्ड ऑफिसर वगैरह हैं, अपने जो सर हैं यहाँ के जो मैनेजमेंट देखते हैं, उनका आप कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। एड्रेस है मैं वो क्लियर कर ही चुका हूँ आपको, तो मेरे को व्हाट्सअप डाल दीजिए, मैं आगे का आपको रिप्लाई डाल दूंगा। कॉल नहीं करना लेकिन आपको, यह मैं क्लियर कर देता हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जिससे जो अपने जो बेरोजगार भाई हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे, और एक अच्छा सा जो भाई ये मेरा वीडियो देख रहा है वह भाई एक YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में आकर मेरे को ज़रूर एक मैसेज करे YouTube पे आकर, जिससे मेरा भी कंटिन्यू मनोबल बढ़ता रहे। और आपको किस तरह की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग मेरे को बताएं, मैं उस तरह का ही जॉब से संबंधित वैकेंसी लेके आपके सामने आऊँगा, और आपको वो जॉब मिल सके। आपकी किस प्रकार की क्या डिमांड है इसके अकॉर्डिंग, और आपने मेरे माध्यम से जॉब लिया है तो जो परम झुंझुनू जो चैनल है उसके माध्यम से यदि आपने जॉब पाया है तो एक बार कॉमेंट ज़रूर करें, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे कि नहीं मैं जो काम कर रहा हूँ वह सही दिशा में बढ़ रहा हूँ। काफ़ी भाई हैं मेरे पे गलत कमेंट करते हैं, तो उन भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेता हूँ भैया, बिल्कुल फ्री, मेरी ये समाज सेवा है, इसमें यदि आप मेरा सपोर्ट करते हो द बेस्ट है। जो अपने बेरोजगार भाई हैं उनको मिसगाइड न करें। मैं मेरे पास में जो वैकेंसी आती है उससे संबंधित वीडियो बनाता हूँ, और पूरी क्लियर करने के बाद में ही मैं वीडियो बनाता हूँ भैया,
ऐसा नहीं है कि फेंक वीडियो बना दिया, नहीं भैया, पूरा बायोडाटा क्लियर करने के बाद में, कि इंक्वायरी करने के बाद में ही मैं वीडियो बनाता हूँ कि वैकेंसी शोर है क्या है इसमें। काफ़ी बार क्या है कि वैकेंसी कम रहती है और वीडियो बनने में टाइम लग जाता है, तब तक वैकेंसी क्या कंप्लीट हो जाती है तो बहुत कम वैकेंसी बचती है। उस कंडीशन में काफ़ी भाई नाराज़ भी होते हैं, उनके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ कि वैकेंसी खूब नहीं रहती है। तो काफ़ी भाई मेरे से ये भी बोलते हैं, सर आपके पास में जिस प्रकार जितनी भी वैकेंसी हो वीडियो बना दिया करो, तो मैं उनकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना देता हूँ कि भाई कम में वैकेंसी में भी वीडियो बना दो। तो चलो दो भाई है, पांच है, दस है, इनको जॉब तो मिला, तो इस वीडियो में मैं इतनी जानकारी दूंगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से तैयार रहना। तब तक के लिए सभी भाई राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।